कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में 19 अक्टूबर को ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने की इजाजत देने की मांग करते हुए रजा अकेडमी शाह गुलबर्गा के जानिब से यहां के जिला कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। अशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जो मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमारा जो अकीदत और अकीदा है उस ताल्लुक से ये जो है ये महफिल और ये जुलूस ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से जो है हम उम्मत मुस्लिमा अपने आप को जो है ज़िंदा और जो है अपने आप को एक नई हयात जो है बख्शती है। रही शहर गुलबर्गा पर जो है जुलूस के ताल्लुक से बातें, तो अभी हम देख रहे हैं कि जो है हमारे सीएम भी आते हैं और उस दिन का जश्न मनाते हैं जिस दिन जो है हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। इसी तरह से जो है हमारे गुलबर्गा हलके के जो है हारे हुए एक रुकने पार्लियामेंट है, उस हारे हुए शख्स का भी जो है काफी धूमधाम से जो है जुलूस मनाया गया। तो जब हारे हुए शख्स का जो है जुलूस इतनी धूमधाम से मनाया जा सकता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक वो जात है जिन्होंने अपने अखलाक और किरदार से जो है पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को जो है जीत लिया। तो जो है उस जीती हुई शख्सियत का जो है बदरजे औला हम जो है जुलूस मनाएंगे और जब तक हमारे कायदे मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब बाहयात थे तो कभी जो है इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि जो है खाली एक इत्तला दी जाती थी कि जो है जुलूस मीलादुन्नबी निकल रहा है। तो कभी इजाज़त इस सिलसिले में जो है शहरी सतह पर नहीं ली गई और हम भी जो है आखिर में यही बताना चाह रहे हैं कि हम जुलूस मीलादुन्नबी निकालने वाले हैं। अब जो है इंतज़ामिया को हम पर कुछ नया तजुर्बा करना है तो करके देख ले, हम तो जो है वो इजाज़त दे या ना दे हम तो जो है इंशाल्लाह जुलूस मीलादुन्नबी निकाल कर रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि पिछले कई सालों से जुलूस मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, जनाब कमरुल इस्लाम साहब उसकी तमाम तैयारियाँ करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है तो हमको करना पड़ रहा है। तो आज जैसे कि मौलाना ने बताया कि कई सियासी रैलियाँ हो रही है, कई जो है ना ये हो रहा है, उसके बावजूद जो है ना उनको इजाज़त मिल रही है। आज स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, मॉल्स खुल गए, बाज़ार खुल गया, सब खुल गया, वहाँ पर जो है ना कोई खदशा नहीं है। तो हम आज भी हुकूमत को इजाज़त चाहते ही नहीं है, इस मामले में इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो जुलूस निकालना है उसके लिए इजाज़त की। मैं गुलबर्गा की तमाम आवाम से और जो पिछली बार जो बाहर से वाड़ी शाहबाद यादगीर जो गुलबर्गा के अतराफ़ के जो लोग आते थे उन तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी लोग जो है ना 19 तारीख को जुलूस मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करें। अस्सलामु अलैकुम। हम गुलबर्गा शहर में 40 साल से मीलादुन्नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मनाते आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल कोविड का इतना कहर था, उस वक़्त हमने सरकार की गाइडलाइन को मानकर चुप रहे, जुलूस जलसे नहीं करे, सरकार का गाइडलाइन का हम पूरा पूरा एहतराम करें। आज हालात बदल चुके हैं, पहले के जैसा कोविड का वो जो है ना वबा नहीं है। आज सरकार बेफजूल जो है ना गाइडलाइन इम्पोज कर रही है, गाइडलाइन सरकार की कोई सुन रहा नहीं। जैसा कि अब इलेक्शंस चल रहे हैं सिंदगी हानगल में, एक एक जलसे में एक एक जुलूस में 20 से 25 हज़ार लोग जमा रहे हैं, तो कहाँ है आपका गाइडलाइन? क्या सिर्फ हमारे मिलाद के जुलूस के लिए गाइडलाइन है? गुलबर्गा शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान में एक बहुत बड़ा सियासी जलसा हो गया जनाब हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की आमद पे, 70-80 हज़ार लोग जमा थे। जब कोविड कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई कोविड बढ़ा नहीं, जब से अब तक कोई केस नहीं आ रहे, तो आज गुलबर्गा शहर में गुलबर्गा ज़िले में कोविड का
वबा नहीं है, लिहाजा हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं। इतने बड़े बड़े सियासी रैलियां चल रहे हैं, आप 17 सितंबर को सीएम साहब ने इतना बड़ा जलसा मुनक्कद किया विमोचना का हैदराबाद कर्नाटक विमोचना दिना बोल के, क्या जब कोविड का कोई ऐसा फैलाव नहीं था उसका असर क्या बोलते खतरा नहीं था, सिर्फ ईद मिलाद को नहीं, इसके लिए हमने आज डीसी ऑफिस को आए थे, मेमोरेंडम दिए, मिलादुन्नबी हमको मनाना है, इंशाअल्लाह ताला जुलूस होके रहेगा, मनाएंगे। और कल हम डीसी साहब मैडम से जिसको हम मेमोरेंडम ऑफिसर को बोले हैं, हमारे एक 8-10 आदमी हजरात आएंगे डीसी मैडम से मिलने के लिए, कल डिटेल गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि कल रात लाइव आकर आपके मीडिया के थ्रू बताया गया था, आज बाद नमाज़े जुमा डीसी ऑफिस पे आकर एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। मैं तमाम आज आने वाले नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इमीजिएटली कल रात में कॉल पर आज इतनी कसीर तादाद में आकर यहाँ पर हमारा साथ दिया। हमने हुकूमत कर्नाटका से डिमांड की है कि हर त्यौहार मनाने की परमिशन दी जा रही है, पॉलिटिकल रैली मनाने की परमिशन दी जा रही है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को क्यों रोका जा रहा है, जबकि जो कोविड का आप रीज़न बता रहे हैं इसी कोविड की वजह से जो गाइडलाइंस आपकी पिछले साल आई थी हमने जुलूस नहीं निकाला, हमने आपके गाइडलाइंस को माना। इस बार आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रैलीज को परमिशन दे रहे हैं, तमाम दीगर लोगों के त्योहारों को परमिशन दे रहे हैं, मॉल खुल चुके हैं, थिएटर खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, हर तरफ आपने जो 50% कैपेसिटी थी उसको 100% कर दिया है। तो मुसलमानों के ऊपर ये खास तौर पे टारगेट करना, ये फिरका परस्त ताकतें की जो प्लानिंग है वो अब नहीं चलेगी, अब मुसलमान जाग चुका है। हम जितनी कोशिश हो रही है उतनी कोशिश हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के थ्रू ही इस जुलूस को निकालेंगे।